भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। मीरपुर में आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब तक बांग्लादेश की जमीन पर भारत और बांग्लादेश के बीच हुए 19 मुकाबलों में भारत 16 बार जीता है, जबकि 2 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था। भारत को साल 2004 में ढाका में बांग्लादेश से 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, तो साल 2012 में एक मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। खेल प्रेमियों के लिए बुरी खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच बारिश में धुलने के बाद अब पहले वनडे पर भी बारिश का साया है। बारिश के मौसम को देखते हुए मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। तीनों मैच मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में ही खेले जाने हैं और तीनों मैचों के लिए एक एक रिजर्व डे भी रखा गया है। मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को सावधान किया है। धोनी ने कहा है कि बांग्लादेश को हल्के में लेने की भूल न करें और अपनी पूरी ताकत से जीत की तैयारी करें। धोनी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की टीम में कंसिस्टेंसी की कमी है, मेजबान टीम की इन कमजोरियों का उन्हें फायदा उठाना होगा। मैच से पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर भी जमकर पसीना बहाया। टीम इंडिया के साथ कोच की भूमिका निभा रहे टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने भी नेट्स पर खिलाड़ियों के साथ मेहनत की। रवि शास्त्री खासतौर पर रैना को शॉर्ट पिच गेंदों की प्रैक्टिस कराते हुए नजर आए। रवि शास्त्री रैना को बल्लेबाजी के गुर सिखाते हुए भी नजर आए। ललित मोदी विवाद में हुए नए खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस का नाम भी सामने आया है। दरअसल इंग्लैंड में रहने के केस में जिन 3 जजों से ललित मोदी की लॉ फर्म ने सलाह मांगी थी, उनमें से एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का नाम भी है। उन्होंने ललित मोदी के केस से जुड़े तमाम दस्तावेज देखने के बाद ललित मोदी के पक्ष में कानूनी राय दी थी। ललित मोदी विवाद में फंसी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी खड़ी होती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने वसुंधरा से खुद को फिलहाल अलग रखने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मामले पर बात की है, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा से फिलहाल इस मसले पर चुप रहने की नसीहत दी है। वसुंधरा राजे पर ललित मोदी से नजदीकियों के कई मामले सामने आए हैं। साल 2011 में वसुंधरा इंग्लैंड में ललित मोदी को घर दिलाने के केस में उनकी गारंटर रही। इसके अलावा पुर्तगाल में ललित मोदी की बीमार पत्नी का हाल जानने भी पहुंची। वहीं वसुंधरा के बेटे दुष्यंत की कंपनी में ललित मोदी के निवेश की बातें भी सामने आई हैं। वसुंधरा से रिश्ते की बात ललित मोदी ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी कबूल की है। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी, आपकी जब पत्नी पुर्तगाल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? गई थी, बिल्कुल। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है? बिल्कुल, 30 साल से। ललित मोदी मामले में ईडी अब अचानक सक्रिय होता दिखने लगा है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। अगर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो यूके में ललित मोदी की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद भारत में ललित मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले आज तक से बातचीत में ललित मोदी ने ईडी को आरोप साबित करने की खुली चुनौती दी थी। जहां तक बात रही, मैंने क्या किया है, पहली बात तो आज तक मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं है। पहली बात तो यह है, सिंगुलरली अकेले के लिए अगर मेरे का आप एक ऑर्डर दिखा दीजिए मेरे अगेंस्ट है, एक ऑर्डर नहीं है आज तक। जो ऑर्डर आए हैं वो बीसीसीआई के अगेंस्ट आए और मैं बीसीसीआई का मेंबर था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी बुधवार को मीडिया के सामने आए। बदले की राजनीति के तहत ललित मोदी पर कार्रवाई के खुद पर लगे आरोपों पर चिदंबरम ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठाए। चिदंबरम ने मोदी सरकार से पूरे मामले पर 7 सवाल पूछे। चिदंबरम ने कहा कि मदद मांगे जाने पर सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को भारतीय उच्चायोग से टेम्पररी ट्रेवल डॉक्यूमेंट का आवेदन करने की सलाह क्यों नहीं दी। चिदंबरम ने यह भी पूछा कि क्या एनडीए सरकार ललित मोदी को भारत में सुरक्षा नहीं दे सकती। चिदंबरम ने यह भी पूछा कि ललित मोदी को पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। इससे पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने पी चिदंबरम और यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ललित मोदी ने कहा था कि आईपीएल में शशि थरूर से जुड़ा खुलासा करने के बाद
पी चिदंबरम और कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की थी। रोक नहीं लगाई। पहली बात तो यह है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया और जो पासपोर्ट कैंसिल कराया उसके दो हफ्ते बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको उनको टोका है कि जो पासपोर्ट कैंसिल करा है बिल्कुल गलत कर रहा है और उनको और पूरी गवर्नमेंट को टोका है कि उन्होंने गलत किया, उनको पासपोर्ट वापस दिया गया। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा जल्द ही कसने वाला है। आम आदमी पार्टी के कुल 67 विधायकों में से 21 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 21 विधायकों पर कुल 44 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 20 मामलों में पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जबकि 24 मामलों में पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर इन दागी विधायकों पर कानूनी शिकंजा कसेगी। आपके दागी विधायकों पर जो मामले दर्ज हैं उनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, छेड़छाड़, दंगा फैलाना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, एक्साइज एक्ट और सशस्त्र बल को भड़काने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा सोमनाथ भारती, नरेश बलियान, अमानतुल्ला खान, रामनिवास गोयल, सहीराम पहलवान, रघुवीर शौकीन, राखे बिड़लान, सत्येंद्र जैन, राजेश गुप्ता, ऋतुराज, वेद प्रकाश और जर्नल सिंह जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर कोई भी इस प्रकार के केसेस जो पेंडिंग हैं उन पे हमारा उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। फर्जी डिग्री मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस बुधवार को झांसी लेकर गई। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जितेंद्र तोमर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। पुलिस ने तोमर के छोटे भाई नागेंद्र को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीपी नेता छगन भुजबल की मुश्किलें एसीबी की ताजा रेड और तेज होती जांच के बीच बढ़ती दिख रही है। बुधवार को ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 नए मामले दर्ज किए। इसके अलावा ठाणे, मुंबई और नासिक में भुजबल की अकूत संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। भुजबल के खिलाफ महाराष्ट्र सदन और कलीना जमीन घोटाले की जाँच की जा रही है। छगन भुजबल के खिलाफ एसीबी ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक भुजबल और उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 350 करोड़ रुपए की है। छगन भुजबल का साम्राज्य केवल नासिक के फार्म हाउस तक ही सीमित नहीं है बल्कि नासिक से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर ठाणे तक फैला हुआ है, जबकि जांच अभी जारी है। छगन भुजबल ने खुद पर लगाए गए आरोपों पर सफाई भी दी है। भुजबल के मुताबिक एसीबी ने जांच से जुड़ी केवल चुनिंदा जानकारियों को ही मीडिया को दिया है ताकि मामले की कानूनी प्रक्रिया पर असर डाला जा सके। छगन भुजबल ने कहा कि वो मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई के पीछे राजनीतिक साजिश है तो वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। एसीबी ने जो है गलत काम किया है, गलत जो है हमारे आंकड़े जो है लोगों के सामने रखे हैं, हमको पूछते हम उनको सारे जो है डॉक्यूमेंट दे देते, मगर उसके पहले जो है उन्होंने उछाल कर जो है हमारे ऊपर जो है नाइंसाफी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ सीबीआई ने एनटीसी जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। मामले में वाघेला के अलावा 6 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। वाघेला पर राष्ट्रीय टेक्सटाइल निगम की मुंबई की जमीन निजी कंपनी को कौड़ियों के दाम पर बेचने का आरोप है। वाघेला ने खुद पर हुई कार्रवाई को बदले की राजनीति के तहत हुई कार्रवाई कहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रतिष्ठा की जंग समझे जा रहे महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की है। शरद पवार ने विजय पाटिल को 27 वोटों से मात दी है। चुनाव में विजय पाटिल को 145 वोट मिले जबकि शरद पवार 172 वोट पाने में कामयाब रहे। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में बुधवार को राहुल गांधी भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर हो रहे आक्रोश मार्च में पहुंचे राहुल गांधी ने सफाई कर्मचारियों को दिल्ली की सेना बताया। राहुल गांधी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की लड़ाई वेतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन से सरकार को जोड़ते हुए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम नरेंद्र मोदी ऐप है जो एंड्रॉइड फोन में लॉन्च किया जा सकता है। ऐप में न केवल सरकार की योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारियां हैं बल्कि नागरिक अपनी समस्याएं और सुझाव भी ऐप के जरिए सरकार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ISIS भारत में बड़े हमले की योजना बना रहा है। IB ने देश के तमाम राज्यों को इसके लिए अलर्ट भेजकर सावधान रहने को कहा है। ISIS इससे पहले भारत में केवल युवाओं को अपनी सेना में रिक्रूट करने के लिए ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन हमले की नजर से पहली बार भारत ISIS के निशाने पर है।
दिल्ली एनसीआर में लोगों की सेहत को नया खतरा दूध से है, वो भी मदर डेयरी से। आगरा में मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर के कुछ सैंपल्स की जांच जब खाद्य विभाग ने की तो उन सैंपल्स में डिटर्जेंट और रिफाइंड ऑयल के अंश पाए गए, जिसके बाद खाद्य विभाग ने इस कलेक्शन सेंटर का लाइसेंस रद्द कर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। आगरा के कलेक्शन सेंटर्स के खराब सैंपल्स की खबर सामने आते ही मदर डेयरी ने दूध में डिटर्जेंट के अंश पाए जाने के बाद तुरंत सफाई दी। मदर डेयरी ने कहा कि जो दूध कलेक्शन सेंटर से लिया जाता है उसे कई बार जांच से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसे बाजार में उतारा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में चल रहे अवैध खनन के मामले में सख्त रवैया अपनाया है। जालौन और हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर बनाए गए 14 पुलों को कोर्ट ने 3 दिन के भीतर ढहाने का आदेश दिया है। राजस्थान में सूरतगढ़ के पास ट्रेन के सामने बोलेरो गाड़ी के आने से अचानक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन में अचानक आग लग गई और कालका बाड़मेर एक्सप्रेस में कई यात्री फंस गए, जिनमें से 3 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद कई घंटों तक यात्री फंसे रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। हादसे की वजह से कुछ घंटों के लिए रेल रूट भी बाधित रहा। झारखंड के खूंटी में सांसद करिया मुंडा की बेटी चंद्रावती की अनोखी तस्वीरें सामने आई। घर में आम की फसल ज्यादा होने पर चंद्रावती बिना किसी लिहाज या शर्म के आम की पोटली लेकर सड़क पर उतर आई और तराजू में तोल तोल कर आम बेचना शुरू कर दिए। करिया मुंडा की बेटी को जब मीडिया के कैमरों ने घेर लिया तो भी उन्होंने दो टूक कहा कि सांसद की बेटी हूँ तो क्या, न उन्हें खेत में काम करने में शर्म आती है और न ही फसल बेचने में। जीवन को चलाने के लिए कोई भी काम करना चाहिए ये उनका ही सीख है, और हर काम को आप कीजिए, जीवन चलाने के लिए हर काम को करना, अपना भी तो करते हैं तो हम लोग भी करते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में है। राजपथ पर होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस ने भी मुस्तैदी से तैयारी की है। विजय चौक से राजपथ की ओर जाने वाले रास्ते को 21 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। केवल विशेष पास के साथ ही लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने की इजाजत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर सुबह 6:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। इसमें सुबह 7:45 बजे प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। 7 बजे से 7:35 तक योग किया जाएगा। तकरीबन 20,000 लोग एक साथ योग करेंगे, जिनमें 5,000 छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर कुल 50 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। योग दिवस के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के बीच नजदीकियां बढ़ती दिखने लगी हैं। दीदी के बंगाल में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है, जबकि सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस के एक धड़े को मुस्लिम वोटरों की नाराजगी का डर भी सता रहा है। कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें खुद ममता बनर्जी शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकार को कुछ विपक्षियों का साथ मिल रहा है तो कुछ इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड के CM हरीश रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोलते हुए कहा कि योग दिवस का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है। रावत ने कहा कि हम ढोल बजाने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। योग को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, योग के लिए एक्शन प्लान के साथ आपके सम्मुख आएंगे। हम ढोल पीटो अभियान में सम्मिलित नहीं है, हम जो है उसके लिए काम करोगे अभियान में सम्मिलित हैं, और हम योगा के जो है पूरे एक्शन प्लान के साथ सामने आएंगे। योग दिवस की तैयारियां देश में जगह जगह दिखाई दे रही हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आजकल योग की तैयारियां करते हुए BJP विधायक देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह BJP विधायकों के साथ मिलकर जमकर योगाभ्यास कर रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि योग पर विवाद का सवाल ही नहीं, योग का संबंध केवल स्वस्थ शरीर से है। 21 तारीख तक घर में करेंगे और उसके बाद आजीवन इस प्रकार के योग का लाभ उठाएंगे ताकि स्वस्थ रहे, और एक बड़ा अभियान जिसमें सफलता हासिल करी। बैंक के चेस्ट रूम में मिले हैं 1,04,73,000 रुपए के नकली नोट। गुड़गांव के निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक HDFC बैंक ने गुड़गांव पुलिस को शिकायत देकर जानकारी दी कि बैंक के चेस्ट रूम में नकली करेंसी पाई गई है। बैंक अधिकारियों की शिकायत पर गुड़गांव के सुशांत लोक थाने ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में एक पॉलिथीन में बांधकर सड़क किनारे फेंकी गई नवजात बच्ची मिली। नवजात बच्ची पर नजर सफाई कर्मियों की पड़ी। पॉलिथीन में बंधी नवजात बच्ची दम तोड़ चुकी थी।
बच्ची का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बच्ची को चलती गाड़ी से फेंका गया है। बागपत में स्टेशन पर एक महिला और उसके दो बेटों ने एक पीएसी जवान की सरेआम धुनाई कर दी। सिपाही पर महिला से बदसलूकी का आरोप था। महिला और उसके बेटों ने सिपाही से उसकी राइफल भी छीनने की कोशिश की। बाद में जीआरपी पुलिस ने सिपाही को छुड़ाया। महिला शामली से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में महिला की आरोपी सिपाही से कहासुनी हुई। आरोपी सिपाही की ड्यूटी ट्रेन में ही लगी हुई थी।